यहाँ से लिफ्ट से जाना है ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बार्बर शॉप, 215th anniversary। तो चलिए चलते हैं। हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं आज जाने वाला हूँ कोरेगांव पार्क, और वहाँ पर मैं करने वाला हूँ इंडियाज़ मोस्ट एक्सपेंसिव हेयर कट। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका व्लॉग बना दिया जाए और आपकी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए चलते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसका जो कुछ एक्सपीरियंस होगा। और अभी हम निकले और थोड़ा सा ड्रिजल होने लग गया है, डिटबेल का आवाज़ आ रहा है। अभी मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है अंकित। हाय। और तूने सीट बेल्ट नहीं लगाया, इसके लिए बज रहा है वो। ओके। मेरा पीछे ये सीट बेल्ट। तो चलिए सीट बेल्ट भी लगाते हैं। तो यहाँ पे आप जब कोरेगांव पार्क में लेफ्ट लेंगे तो ये दो पेट्रोल पंप लगेंगे, उसके बीच में से जो लेन जाता है आपको वहाँ पर जाना है। और आगे से मैं आपको बताता हूँ, आगे एक स्टारबक्स लगेगा, वहाँ से आपको राइट लेना है। तो अभी ये यू टर्न तो इन्होंने बंद किया है डिवाइडर की वजह से, तो आपको आगे से यू टर्न लेके आप जैसे देख सकते हैं ये जो झाड़ दिख रहे हैं आपको, उसके नीचे ही स्टारबक्स है। और ये स्टारबक्स के यहाँ से ये जो लेन दिख रही है आपको, यहाँ से हमें अंदर जाना है। तो अभी हम लोग यू टर्न मार के आए और यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। यहाँ पे टर्निंग पे ही आपको स्टारबक्स मिलेगा। यहाँ पर ये रहा स्टारबक्स और यहाँ से आपको आगे तो ऐसे कुछ इसका एंट्रेंस है और ये इनका ब्रांडिंग यहाँ पर। और हमें वहाँ पर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। और ये ऐसे पार्किंग, यहाँ पर ये लोग वैली में गाड़ी लेके लगाते हैं। चलिए चलते हैं ऊपर। हेयर कट शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे वो सबसे टॉप का है द रॉयल हेयर कट। और यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ पर हेयर वॉश करेंगे। तो ये स्कैल्प के ऊपर डिपेंड करता है आपके, तो वो हिसाब से ये लोग शैम्पू करते हैं। थोड़ा सा हॉट। तो अभी शैम्पू करके हो गया है और वॉश चल रहा है, और इसके बाद में फिर कंडीशनर यूज होगा। वॉश में कंडीशनर लास्ट में यूज होगा। ओके, कंडीशनर लास्ट में यूज होने वाला है। हेड मसाज के बाद जब वॉश होगा फाइनल, तब कंडीशनर यूज होगा, क्योंकि हमें हेयर कट करना है इससे पहले। सैनिटाइज करते हैं। ओके, तो ये सब आपका टूल सैनिटाइज करते हैं जी। ओके, तो ये टूल सैनिटाइज करने के लिए रखा है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। कल मैं अभी था सैनिटाइज के इसमें, तो उसमें से निकालने के बाद इन्होंने अभी वॉश किया वो सब टूल्स जो यूज करने वाले हैं मेरे पे अभी। लाइन में इनको करियर में 6 years हो गए हेयर कट कर रहे। ये एक साइड हमारा हो गया है लेफ्ट साइड, अभी राइट साइड का स्टार्ट कर रहे।
ही अच्छी सर्विस थी और आसिफ ने भी बहुत अच्छे बाल काटे हमारे, देख सकते हैं आप फेड वगैरह बहुत अच्छे से दिया है और अच्छे से बाल सेट कर। सो थैंक यू सर। तो ये कुछ ऐसे इनकी चेयर है और यहाँ पे ये लोग हेयर वॉश और हेयर स्पा करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब प्रोडक्ट्स है आपके हेयर शैम्पू, हेयर कंडीशनर, वैक्स एंड ऑल। और ये जो बॉक्स है इसमें ये लोग सैनिटाइज होते हैं सब जो कुछ भी यूज़ होता है यहाँ पे, सीजर्स एंड ऑल सब यहाँ पे ये लोग सैनिटाइज करते हैं हर एक सबके यूज़ के पहले ये लोग सैनिटाइज करते हैं। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग और ये कोविड के पहले से करते हैं तो कोविड में तो ये और अच्छी बात हो गई। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसे है रूम का, यहाँ पे टोटल 4 चेयर्स है सब। तो यहाँ पे इनके सब प्रोडक्ट्स है सो आई एम जस्ट डन विद द हेयर कट एंड ऑल। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा और आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहोगे कि इसका टाइमिंग क्या होता है और सब चीज़ें? हम लोगों ने आज आपके लिए रॉयल हेयर कट सर्विस की हमने 2500 एंड 120 वी चार्ज फॉर हाइजीन एंड सेफ्टी। ओके सो द टोटल अमाउंट इज 2620। ओके इसका 45 मिनट्स का ड्यूरेशन है। ओके यहाँ पर हमारी गाड़ी है और यही पर सलून था हमारा, हमारी कार इधर ही है इसके लिए हमने सिर्फ चाबी के लिए बोला। थैंक यू। उन्होंने बताया कि हेयर कट के 2500 कुछ तो भी थे और 150 रुपीज़ उन्होंने क्लीनिनेस के लिए, नो डाउट इतना मैंने पे किया पर वो पूरा फुलफिल हुआ जो तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, वेलकम किया, हेयर कट किया पूरा। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और मैं आपको भी ये एक बार ट्राई करने के लिए आपको रिकमेंड करूँगा। अभी मैं घर पर आ गया हूँ फाइनली और आप देख सकते हैं कैसे दिख रहा है हेयर कट पूरा, जो फेड है बहुत अच्छे से किया है उन्होंने। और ये ऑलमोस्ट मुझे पूरे सेशन के लिए, हेयर कट सेशन के लिए मुझे 1.5 घंटा लगा। तो उन्होंने प्रॉपर सब स्टार्टिंग से वेलकम एंड ऑल, फिर उसके बाद हमको चाय कॉफ़ी पूछा, फिर उसके बाद में इंग्लिश ब्रेकफास्ट पूछा और फिर उसके बाद में वो बार्बर आए और फिर प्राइवेट सेशन था क्योंकि वो अपॉइंटमेंट की वजह से एक टाइम पर एक ही लेते हैं वो लोग। और उसके बाद में फिर उन्होंने हेयर कट चालू किया, फिर स्टार्टिंग में उन्होंने हेयर वॉश किया शैम्पू से, फिर उसके बाद में हेयर कट होने के बाद उन्होंने वेट हॉट टॉल से उन्होंने पूरा फेस वगैरह क्लीन किया, उन्होंने मसाज किया, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स का मसाज था टोटल। फिर उसके बाद में फिर से वेट टॉल से उन्होंने पूरा हॉट टॉल से पोछा फेस एंड ऑल, क्योंकि पूरा ऑयल और हेयर था तो वो प्रॉपरली पूरा उन्होंने पोछा। और फिर उसके बाद में शैम्पू से हेयर वॉश किया और फिर उसके बाद में कंडीशनर लगा के हेयर वॉश किया और फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा आपको सीरम लगा के हेयर सेट करना है या फिर क्ले लगा के, तो मैंने सीरम बताया तो सीरम से उन्होंने हेयर सेट किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा परफेक्टली उन्होंने सेट किया है हेयर का और मैं पूरा टोटली सेटिस्फाइड हूँ उनके सर्विस से। तो ट्रू फिट एंड हेल्थ का मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना हो तो आप वो नंबर पे कॉल करके और जो कुछ भी आपका इंक्वायरी है आप वो नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, होप करते मैं जल्दी अगले मंथ में जाऊँगा हेयर कट को।